हरे कृष्णा, प्रेम से कह दो राधे राधे। आप आगे बोलो राधे राधे। पीछे वाले भी बोल दो राधे राधे। एक बार सर मेरे साथ जाके बोलना, ठीक है? आप भी बोलना, आवाज आनी चाहिए। प्रेम से कह दो राधे राधे, सबके कह दो राधे राधे, वृंदावन में राधे राधे, बांके बिहारी राधे राधे, राधा मोहन राधे राधे, राधा श्याम सुंदर राधे राधे, प्रेम से कह दो राधे राधे। देखिए ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है कि भले ही हम बहुत जन्मों से बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हों, लेकिन हमें अभी तक भक्ति के विषय में कुछ नहीं पता था। क्यों थोड़ा कुछ हमें बताया ये हमारे सतगुरु भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के कारण सफल हो सका है। इसलिए ये कोई साधारण बात नहीं, जरूर जरूर हमने पूर्व जन्म में कोई ऐसा पुण्य कर्म किया है जो इस जन्म में हमें भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जैसे गुरु मिले। ये और गुरुदेव ये कहते हैं कि कलयुग, इस कलयुग को भी धन्य कलयुग कहा गया है, क्योंकि इस युग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होकर हमें, हम जैसे बच्चियों का कल्याण करने के लिए महामंत्र हमको दिया है। तो इसी और सबसे पहले भक्ति का जो सोपान है वो सबसे पहले है श्रद्धा। जब तक हमारे अंदर श्रद्धा नहीं होगी, श्रद्धा का बीज हमारे अंदर अंकुर नहीं होगा, हम भक्ति नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें अपनी श्रद्धा को मजबूत करना है और आंख बंद करके विश्वास करना है। ये भी बात सत्य है कि जब तक गुरु के चरणों का आश्रय नहीं होगा तब तक भक्ति तो बहुत दूर की बात है, भक्ति तो हम कर ही नहीं सकते। तो इसलिए
हमारा सौभाग्य है कि आज गुरुदेव हमारे सामने हैं। तो एक बार हाथ उठा के मेरे साथ बोलिए, श्री गुरुदेव की हरे कृष्णा। एक छोटी सी एक मैं कथा सुनाता हूँ श्रद्धा के लिए। श्रद्धा कैसे होती है? एक बहुत बड़े से सेठ जी थे और एक दिन वो बहुत ऊंची बिल्डिंग होटल में 18वीं मंजिल पर बैठे थे। उन्होंने 18वीं मंजिल पर अपना एक रूम ले रखा था। तो शाम हो रही थी, शाम के समय उन्होंने सोचा थोड़ा पहाड़ टेरेस में तो घूम लो। तो पहाड़ टेरेस में अपनी कुर्सी बिछाकर वहां बैठे, तो अचानक उनकी नजर नीचे पड़ी। तो उन्होंने देखा कि एक बच्चा गैस का गुब्बारा लिए हुए था और वो लाया, खरीद के लिया लाया और उसने हाथ के हाथ उसको छोड़ दिया। उसने सोचा इसके हाथ से छूट गया होगा, कोई बात नहीं। संयोग से कल फिर यही दृश्य उसने देखा, वो बच्चा गुब्बारा लिया उसने नया और फिर छोड़ दिया। अब उसको उत्सुकता जगी, ये खरीदता है, खेलता भी नहीं और हाथ किया छोड़ देता है, ऐसी इस गुब्बारे में क्या बात है या इसके मन में क्या बात है। वो कल फिर आया, कल फिर आकर उसने देखा कि बच्चे ने फिर गुब्बारा लिया और फिर छोड़ दिया। अब उसको ये सोचने लगा कि मैं 3 दिन से लगातार देख रहा हूँ ये गुब्बारा लेता है और छोड़ देता है। तो उसकी उत्सुकता फिर जग गई। अगले दिन वो ना चाहते हुए भी टेरेस पर आया और उसने देखा, ठीक उसी समय वो बच्चा आया, उसने गुब्बारा लिया और फिर छोड़ दिया। इस तरह से वो रोज आना तो उनका दोनों का नित्य क्रम बन गया। वो देखते शाम को और वो बच्चा गुब्बारा खरीदता और हाथ किया छोड़ देता। तो एक दिन, एक महीना बीत गया। तो एक महीने के बाद एक दिन क्या हुआ, किसी कारण से उन्हें टेरिस पे जाने में देरी हो गई, वो नहीं पहुंच पाए टेरिस पे। तो जब वो आध घंटे के बाद, यानी कि अगर मान लीजिए वो 7 बजे जाते थे तो उस दिन 7:30 बजे गए, तो 7:30 बजे उन्होंने जाके देखा, नीचे झाँक के देखा, बच्चा कहीं नहीं। लेकिन फिर ऊपर को आँख उठाकर देखी, नजरें घुमा के देखी, तो देखा वही गुब्बारा संयोग से उनकी पानी की टंकी में उलझा हुआ था, उस दिन वाला गुब्बारा। तो उनको उन्होंने सीढ़ी लगाई और सोचा जो बच्चे का कार्य था वो कार्य मैं पूरा कर दूँ, इस गुब्बारे को हवा में छोड़ दूँ। तो वो ऊपर गए छत पे, ऊपर सीढ़ी लगा के, और वो गुब्बारा जैसे ही उन्होंने उठाया उस गुब्बारे पे कुछ लिखा हुआ था। तो वो जो गुब्बारे पे लिखा हुआ था वो बाद में बताऊंगा। तो वो गुब्बारा फिर उन्होंने छोड़ दिया। तो जब वो छोड़ दिया तो फिर वे अगले दिन उस बच्चे के पास आए। तो उन्होंने पूछा कि बेटा तू ये रोजाना गुब्बारा छोड़ देता है और इस पे कुछ लिख के भेजता है, ये तो कहाँ भेजता है? जानते हैं उस बच्चे ने क्या जवाब दिया? उस बच्चे ने कहा कि ये गुब्बारा मैं भगवान के पास भेजता हूँ और मेरी माँ सालों से बीमार है, मैं भगवान के पास अपनी प्रार्थना भेजता हूँ कि किसी ना किसी को मेरे पास भेज दे जो मेरी माँ का इलाज करा दे। तो उसने फिर पूछा सेठ जी ने, अच्छा तुम्हें ये बात बताई किसने कि भगवान तुम्हारी माँ के लिए किसी को भेज देगा? तो उसने कहा कि एक दिन मेरे द्वार पर एक संत आए थे, बच्चा कोई ज्यादा बड़ी उम्र का नहीं था, कुल 12 वर्ष का था। मेरे द्वार पर एक संत आए थे और उन्होंने कहा बेटा आज तो मुझे भोजन करा, और मैंने उसको उनको भोजन करा दिया। तो उन्होंने कहा कि तेरा भी भला करेगा भगवान, और जब तुझे कुछ चाहिए हो भगवान से तो भगवान को प्रार्थना कर। तो तब से मेरा भगवान में आस्था हो गई, मेरी श्रद्धा हो गई, और इसी आशा से मैं रोज भगवान के पास लिख के ये चिट्ठी भेजता हूँ कि भगवान किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी को मेरी माँ का इलाज कराने के लिए अवश्य भेजें। जब उस सेठ ने ये बात सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आए और उन्होंने कहा कि बेटा ले, आज से तेरी माँ का सारा इलाज का खर्च मैं करूँगा। क्यों करूँगा? क्योंकि वो सेठ जी समझ चुके थे कि मुझे क्या पड़ी थी इसका गुब्बारा वहां से उतारने की, मुझे क्या पड़ी थी उस गुब्बारे पे क्या लिखा हुआ है ये पढ़ने की, और मुझे क्या पड़ी थी मैं इससे आके मिलता, अर्थात मुझे इसके पास किसने भेजा है? भगवान ने भेजा है।
तो ऐसी जब अटूट श्रद्धा भगवान में हो जाएगी तो हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे। इसी अटूट श्रद्धा के साथ अपने विश्वास को, अपनी श्रद्धा को गुरुदेव के चरणों में, भगवान के चरणों में नित्य लगाए रखोगे तो एक दिन ये जीवन अवश्य सार्थक होगा, अवश्य सार्थक होगा। अभी आज हमारे बीच में हमारे प्रेम किशन दास जी के आए में है। गुरुदेव की कथा से पहले मैं प्रेम किशन दास जी से भी कहूँगा कि आज एकादशी के सत्संग में एक भजन वो भी कहें। हरे कृष्ण साइन करवा के मेरे को दिए।
तो इनका जो परिवार के हमारे संबंध जो है, मैं थोड़ा सा उसके बारे में आपको बताया। तो एक बार इस परिवार के लिए और हमारे जो शिक्षा गुरु बैठे ऊपर छोड़ों में उनके लिए काम कर रहे हैं। अभी मैं दूसरी बात बोल दो बच्चों को सब मंदिर में आओ, ठीक से कथा सुना ये करो, हमारे कोई दिए हरे कृष्णा। सुबह हमारी गुरुदेव से कुछ बात हो रही थी और एक दो दिन तक कुछ ना कुछ बात हो ही रही है, जो भी हो रही है तो बात हो रही है, उसमें कुछ जो है गलत प्रभाव जा रहा है बात का, यानी कि मेरी तरफ से सिर्फ अकेले मेरी तरफ से गलत प्रभाव जा रहा है। तो कुछ बच्चा लोग जो बैठे ना इधर ही अपने, अपना ये तरुण बैठा है, जो शुभम बैठा है, एक बच्चा और है वो आया नहीं अभी, सेवन बरू के साथ आएगा। उन्होंने कुछ मतलब किसी ने जो भी कहा मेरे बारे में गलत बड़ा चढ़ा के कुछ मैंने बात बोली थी मैंने समझाने के लिए, पर समझाने के लिए ना बोल के वो बात मेरी गलत पड़ गई, वो गलत पड़ गई। तो जो भी मैंने अपने मुंह से आज तक 10 साल के पीरियड में किसी के बारे में कोई भी बात अपने मुंह से अब सब किसी ब्रह्मचारी के बारे में, किसी सन्यासी के बारे में, किसी गृहस्थ के बारे में, किसी बच्चों के बारे में, किसी माता बहनों के बारे में जो भी कही हो, उसके लिए मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। और आज के बाद मेरी तरफ से मुझे अपनी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, मेरी तरफ से कोई बात कहीं सुनने को नहीं मिलेगी और कोई बात कह रहा है उसकी मेरी कोई गारंटी नहीं। तो मुझे जो है सबसे मैं क्षमा मांगता हूँ, हाथ जोड़ के साष्टांग प्रणाम करता हूँ। और कोई भी ऐसी बात हो, जो भी बात किसी के बारे में हो हमारे मंदिर में हमारे मठ में, अगर किसी से किसी का द्वेष है तो डायरेक्ट वो बात उसी से जा लेते हैं, इधर उधर घुमा फिरा के बात कहते हैं, उससे तकलीफ होती है बहुत ज़्यादा। मान लो मैंने कोई गलती करी किसी के, उसमें जो गलती करी वो बात पहले मुझसे संपर्क करे, ना कि 1, 2, 3, 4, 5 को बताने के लिए पहले पूरा जो है उसमें बवंडर खड़ा हो जाता है, उसमें आपस में ही होता है कि इनमें तो आपस में ही मतभेद है, ये दूसरे का क्या पता करेंगे, जो हम यहाँ गुरुदेव के आशीर्वाद से यहाँ पे सिखाने के लिए आ रहे हैं, करने के लिए आ रहे हैं। तो जो है इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वाणी चक्र पत्र माता जी बहुत खड़े हो जाओ, ब्रह्मचारी बैठे हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं, ब्रह्मचारी बैठे हैं। सचमुच से जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण का जो गुण होनी चाहिए माता जी के अंदर, जो पूरा पूरा ब्राह्मण का गुण यहाँ से चलते चलते आए, खाली हाथ में नहीं, रोज ठाकुर जी के लिए बट्ठा, पहले तो उसको चला करके ठाकुर जी के लिए बट्ठा लेकर के आए, केवल बट्ठा लेकर के नहीं आएगी, कुछ दिन पहले तो मेरे लिए रोज काढ़ा बना कर लिया, केवल काढ़ा नहीं मैं देखता हूँ रोज रोज खाली हाथों में कभी नहीं आता, कुछ ना कुछ सब्जी लाएगी बाजार से, नहीं तो जब इनके आम का पेड़ से आम निकला तो कुछ ना कुछ आम ले करके आएगी, कभी माता जी खाली हाथ में मैं कभी देखा नहीं, खाली हाथ में नहीं आते, रोज कुछ ना कुछ इतना नहीं। और इनके अंदर में भी विशेष बात यह है, जब भगवान की कथा हम लोग करते हैं ना, हर कथा अपनी माता जी रोज करते हैं, पूरा देखना है काफ़ी भरा हुआ है, जो भगवान की कथा को कापी में भरती है ना, कापी में नहीं उसका हृदय में भर जाती है, माता जी की हृदय में ये भगवान की कथा भर जाती है, ठाकुर जी कथा को नोट करती हैं और बड़ी सुंदर कथा भी सुनाती हैं, इतना नहीं ये क्या करती हैं, कोई अड़ोस से बड़े से बात कोई बच्चा उनको कोई भक्ति करने वाले मिले फिर उनको पकड़ करके मेरे पास मिले, बोले महाराज जी ये इसी घर से इनको हरिनाम कर उनको भक्ति की उपदेश दो, ये भगवान की भजन करें, इतना बात नहीं कर। और एक विशेष गुण है, वो गुण है रोज मंदिर में आकर के ठाकुर के सामने बैठ कर के जितने हमारी गुरु परंपरा का जय है ये रोज ये जय बन, और जितने वंदना हमारी वंदना और जितने बंगला कीर्तन है हमारी, जो कीर्तन हम भी रोज नहीं करते हैं वो कीर्तन को रोज करती है बंगला भाषा में, इतना नहीं जितने स्तुति सब राधा रानी की जो स्तुति है, हैं राधा रानी की स्तुति जमुना अष्टक ये सारे अष्टक को बैठ कर कम से कम 1 घंटा तो वहाँ बैठ करके ठाकुर के दरबार में रोज ये सुनाती है, ये एक ही मैया है जो कि काम को ये रोज करती है, इसलिए इनके पतिदेव को इनके बच्चों को और इनको हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं,
आप उनको इसको भक्ति दे, शक्ति दे, तो फलते फूलते रहे और इनको भगवान की भक्ति करे। देखो अभी ये कोशिश करेगी, जब इतने उम्र हो गया है लेकिन वो चेष्टा नहीं छोड़ती, जो कथा सुनेगी ध्यान देकर सुनेगी, नई कथा सुनेगी तो नोट करेगी। इससे हमको बहुत सारी चीज सीखना है। सचमुच से ही माता जी जो ब्राह्मण घर में जो जन्म है, जब बोले ब्राह्मण घर में जन्म से नहीं होता है, कर्म से होता है, लेकिन ये ब्राह्मण घर में जन्म भी हुए और ये ब्राह्मण का सारी कर्म भी जो भक्ति है, ये भक्ति भी करती है और कोशिश भी करती है पूरा परिवार को भगवान की तरह से लगाने की। आप लोग भी सबके सब भक्ति करना, ठीक है ना, जो जाए नहीं पाता ये आस पास से आए हो, अड़ोसी पड़ोसी से आए ना, कभी कभी किसी को साथ में मंदिर आया करो। माता जी रोज मंदिर में आता है, जैसे वहाँ विशेष करके जो वहाँ कोई फेस्टिवल होता है, उत्सव होता है, प्रसाद होता है। अभी अभी हम 25 तारीख को वहाँ गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, 25 तारीख को, इसलिए माता जी को साथ में आना, भगवान की कथा सुनना, प्रसाद पा कर जाना और ऐसे नहीं अपना बच्चों को भी लेकर जाना, अकेले नहीं। अभी देखना बच्चे तुम लोग तो थोड़े पुराने हैं, आप लोगों को भक्ति में थोड़ी श्रद्धा होगी, लेकिन अब जो नए उम्र के बच्चे होते हैं उनको भक्ति भक्ति में कोई विश्वास नहीं, श्रद्धा नहीं। ये सवेरे उठते कोई पिता माता की चरण नहीं छूते, पिता माता की आदर नहीं करते, लेकिन बड़े बड़ों को देखना सवेरे उठ करके सबसे पहले क्या करते थे, पिता माता की चरण छूते थे। हम जहाँ जाते हैं एक ही बात कहते, बच्चे बात नहीं सुनते, बच्चे बच्चे सबको ज्यादा विकार ने किया है। बच्चे क्यों बात नहीं सुनते, कारण है सबसे पहला संस्कार तो माँ बाप का पड़ता है, किसका पड़ता है, पहला तो माँ बाप है। अगर अगर बच्चे देखते भैया भजन करती हैं, अगर भैया ठूल ठूल करके अपना सास ससुर की चरण छूती हैं, पिता माता की सेवा करती हैं, बच्चे तो देख देख करके अपने आप से देखना। इसलिए भगवान राम क्या करते थे, सवेरे उठ करके सबसे पहले पिता माता की चरण जो छुआ करते थे। रामायण देखो टीवी में, और कौन देखा हो टीवी में रामायण देखना, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं उसी समय में भगवान राम जाकर के दशरथ महाराज की चरण की सेवा करते, आप देखे हो भगवान स्वयं सिखा देते क्या करनी चाहिए, पिता माता की सेवा करनी चाहिए, पिता माता की सेवा करनी चाहिए, आदेश पालन करनी चाहिए, ठाकुर स्वयं सिखा देते हैं। इसलिए अगर हम गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, संतों का संग करेंगे, तब तक रंग चढ़ेगा ना, तब तक रंग चढ़ेगा, अगर नहीं करेंगे तब हम कहाँ चढ़ेंगे, समझ रहे हो। और वंश में भागवत कहता है अगर एक बेटा प्रभु की भक्ति में लग गया, एक बेटा प्रभु की भक्ति में लग गया, उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाए, कितने पीढ़ी उधार हो जाएंगे, 21 पीढ़ी। तो जो पूर्वज लोग थे अगर स्वर्ग में अगर गए होंगे, जब देखेंगे उनके परिवार में कोई एक बेटा भक्ति कर रहा है, नृत्य स्वर्ग के उनका पूर्वज लोग हाथ उठा उठा करके नाचना शुरू कर देते हैं, हमारी अहो भाग्य है हमारे वंश में भक्ति करने वाला है बेटा। जिस माता की गर्भ से वो बच्चा जन्म लेता है, जिसे पिता जी के औरत से जन्म लेता है, पहले पिता माता भगवान का नाम ले जाए, कहाँ जाएंगे, ध्रुव जी का नाम सुने हो, सुने हो, जब ध्रुव जी के लिए विमान आया, वैकुंठ से लेने के लिए रथ आया, जब वो रथ में बैठने जा रहा था, इतने में काल भी आ गया, बोले तू कौन, बोले काल, बोले तू यहाँ बैठ जा, उन्होंने काल का सर को पर पैर रख लिया। जब रथ में बैठने जा रहा था इतने में भैया भी आता, बोले मेरे भैया कहाँ है, विष्णु दूतों को बोले मैं भैया को लिए बगैर वैकुंठ नहीं जाऊंगा, बोले भैया को लेकर क्यों जाना चाहते हो, बोले आज जो मैं भक्ति कर रहा हूँ ये भैया का आशीर्वाद, किसका आशीर्वाद है, भैया का आशीर्वाद, बोले क्यों, बोले माँ ने मेरे को बताया था, क्योंकि जब ध्रुव जी अपना पिताजी की गोद में बैठने जा रहा था, जो सौतेली माँ थी उनको बैठने नहीं दिया, बोले खबरदार राजा की गोद में बैठ नहीं सकते हो, अगर राजा की गोद में बैठना चाहते हो पहले तपस्या कर, अरे मेरे कोख से जन्म ले, जब मेरे बेटा बनोगे ना तभी ठाकुर को पिताजी का गोद में बैठोगे। मिथुना उसको क्रोध आया, रो रो कर आया, अपना बड़ी माँ अपने माँ के पास में, बोले क्या बात, बोले ऐसे बात है, लेकिन साधारण माँ होता है ना, बोले तो बड़ा बेटा है, तुम विद्रोह करना शुरू कर, रात गति में तेरा अधिकार,
छोटे स्त्री का बचा अधिकार नहीं, लेकिन उन्होंने उसका हृदय में विद्रोह नहीं भर किया। बोले फिर बच्चा ये पिता कब तक रहेंगे, ये राजो तो कब तक रहेगा। ऐसे भगवान के क्रोध में एक बार बैठ जा, जिसको क्रोध में बैठोगे ना तो उतरने का जरूरत नहीं। ये पिता जिससे भी करोड़ों गुरु जो प्रेम स्नेह भगवान देख बेटा भजन कर, बोले माँ की आशीर्वाद से भजन किया और ठाकुर मुझको मिले। जब तक पिता मैया को साथ में नहीं लूंगा वैकुंठ नहीं जाऊंगा। देखो कृष्ण दूत ने कहा ऐसे जो माँ बच्चे को प्रभु की भक्ति की राह पर चलाए, देख बेटा जो ग्रंथ जा रहा है ना तेरी मैया बैठी बैठी जा रही, और जा रही है उसको पीछे पीछे तू जा रही हो, आगे आगे नहीं, माँ पहले वैकुंठ जा रही है। क्योंकि माँ ने बच्चे को भक्ति की शिक्षा दी। ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रह्लाद का चरित्र भी सुनोगे, भगवान बोले पर मांगो, प्रहलाद ने क्या बोले, बोले मेरे पिताजी बड़े दुष्ट थे, आपको आपका भक्तों को बड़ा सताया, मेरे पिताजी को उद्धार कर, पिताजी को उद्धार कर दो। भगवान क्या कहते हैं, बोले तेरे जैसे बच्चे को जिस पिता ने जन्म दिया उद्धार होने का भाग्य रह गया। अरे तेरे तो त्रीस सप्तमी में तीन साल में 21 पीढ़ी को उद्धार हो गए, कितना उद्धार हो गए, 21 पीढ़ी उद्धार हो गए। अगर प्रभु की भक्ति नहीं करेगा बच्चा, तूने बच्चे को जन्म दे दिया है, बच्चे को जन्म दे दिया लेकिन बच्चे शराबी बन गया, जुआरी बन गया, गंजा घूमता है, बीड़ी घूमता है, सिगरेट घूमता है। फिर जैसे पुण्य को पिता माता ग्रहण करके, अगर बच्चे अगर तुम्हारी गलत रास्ता पर गए ना उसका फल भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। इसमें पुराण में कथा दी है, कोई एक जोगी था, इधर सुना, कोई एक जोगी था, जोगी ने स्वर्ग में पहुंचा, देखा एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में पहुंचा, लेकिन सोने के सिंहासन में बैठा हुआ रो रहा था, बेहोश हो रहा था। बोले भैया तू स्वर्ग आकर के रो रहे क्यों, बेहोश हो क्यों हो रहे हो, बोले मेरे से गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई, बोले मैंने बच्चों को तो जन्म दिया है लेकिन बच्चों को सर्च मार्ग पर नहीं चलाया, और मैंने बहुत पैसा छोड़ करके दिया है, जिन पैसा को मैंने छोड़ करके आया बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे, जुआ खेल रहे हैं, गंजा फूंक रहे हैं, सिगरेट फूंक रहे हैं, मांस खा रहे हैं। पैसा किसने छोड़ कर आया, मैंने छोड़ कर आया था, और मेरे पैसा को ये गलत दाम पर लगा रहे हैं, उसका पाप कर्म मेरे को स्वर्ग में नहीं छोड़ा। इसका मतलब है अगर केवल बच्चे को जन्म दे दिया केवल, लेकिन प्रभु की भक्ति के मार्ग पर तुमने नहीं चलाया, बच्चे अगर गलत रास्ता पर जाए उसको पाप भी स्वर्ग जाने पर तुमको स्वर्ग में भी जाओगे रखा नहीं है। इसलिए बच्चे ऐसे हो जैसे कुंती, नाम सुने कुंती की कितने बच्चे थे, पांच, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव ये पांच, सब कृष्ण बच्चे। गांधारी की कितने बच्चे थे, बोलो कितने थे, लेकिन एक भी क्या भजन किया, एक एक ने बच्चा भजन किया है। गांधारी का नाम कोई आदर्श नहीं लेते हैं, कोई नहीं लेते हैं, कुंती की नाम आदर्श से देते हैं। आदर्श से क्यों, उसको सारे बच्चे कृष्ण का भक्त थे, समझ रहे हो। अगर तुम्हारे बच्चे अगर प्रभु का भक्ति करेंगे ना जब तक वो दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होगी, समझ रहे हो। इसलिए क्या करना, पहले संस्कार पिता माता से पड़े। अगर तुम खुद हरिनाम करोगे, गल में कट्टी पहनोगे, तिलक लगाओगे, बच्चे जब यहाँ पर कुछ बच्चे बच्चे को देखो उधर घूमकर, देखो ये बच्चे को देखो, तेरा तिलक लगा है, कल में कंठी पहनी, बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर कथा क्यों करते हैं, क्योंकि उसका जो माँ है ना ये बैठी है, ये माँ भी मंदिर में आती है, हरिनाम करती है, इधर से आती है, हैं रोज रोज आती है, कथा सुनाती है। इसलिए अगर पिता माता भक्ति करेंगे तो बच्चे अपने आप देख देख कर भक्ति करेंगे, तो उसने और एक बेटी को भी साथ ले लिया, देखो लेकिन ये बेटी का देखो उधर घूम कर, लेकिन ये भी गले में कैटी माला तिलक पहनती, कितने पढ़ रहे हो तो कितने, ये सब बच्चे पढ़ रहे हैं और इसको साथ साथ प्रभु की भक्ति कर, देखिए कितने बच्चे देखो, यानी सब बेटी के परिवार ये सब भक्ति करते हैं, सब एक तो देखो हमारे कुछ कुछ भक्तों का परिवार है ये सब के सब भक्ति करते हैं, क्योंकि पिता माता भक्ति करते हैं ना, इसलिए बच्चे भी प्रभु की राह पर चलते हैं। ठीक हो, हरिनाम करना, भक्ति करना, बच्चों को भी भक्ति वाले में चलाते। देखो अभी माता जी आपको ठाकुर जी के बारे में आपको कुछ सुना है कि हमारे श्री माता जी
क्या नाम तुम्हारी? माइक में बोलो। हरे कृष्णा। क्या नाम? मेरा नाम अनंत मोहिनी दास। हरे ओम अज्ञातिमिरागस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुलिकं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्णकर्णा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिकाकांत श्रीराधाकांत नमोस्तुते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यमानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। श्री गुरुदेव की जय। श्री गुरुदेव की कृपा से मैं कुछ कहने का प्रयास करूंगी। परसों जब हम अरुण प्रभु जी के यहाँ संकीर्तन में गए थे तो गुरुदेव ने कथा कही, वो शिव जी के बारे में थी, भगवान शिव के बारे में। भगवान अपने ऊपर लगाते हैं, वो किस लिए रहते हैं? इस बात के लिए हमें ये सोचना चाहिए कि वो क्यों रहते हैं, क्योंकि हम सब प्राणी, हम सब मनुष्य मरने के बाद कहाँ जाएंगे? शमशान में। और वे बैठ करके वहाँ ये देखते हैं कि कोई भी मनुष्य मरने के बाद अपने साथ क्या लेके जाएगा। जब कोई इंसान मरता है तो उसके सब कपड़े झाड़ लेते हैं कि कुछ लेके तो नहीं चला, कोई पैसा, कोई सोना, कोई जेवर, उसके पास कुछ नहीं छोड़ते। यहाँ तक कि उसके जो पहने हुए पुराने वस्त्र होते हैं उनको भी भार उठा कर रख दिया जाता है, उसके बिस्तर को भी उसके शरीर छोड़ने के बाद तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है और उनको कोई प्रयोग नहीं करता। तो इस तरह से भगवान शिव जो है शमशान में बैठ करके सबके साक्षी रहते हैं कि जब कोई व्यक्ति मरा, व्यक्ति जो मर गया है उसका जब संस्कार हुआ है, अगर नाक में सोने के बिस्तर हो ना, इधर तो रो रही है, देखना बहू रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, हाँ मेरा चली गई सास, चली गई सास, चली गई, इधर कहाँ में बेटे को कहते हैं, ध्यान रखना नाक में बिस्तर के बिस्तर। तो भगवान शिव ये देखते हैं कि जब इंसान को जलाया जाता है तो उसके साथ क्या होता है, जो आम इंसान होता है उसके साथ क्या होता है। सबसे पहले तो उसके मुख में अग्नि दे देते हैं, क्योंकि उसने मुख से कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया। और उसके बाद में जो उसका प्रिय पुत्र होता है वो उसके सिर को फोड़ देता है डंडे से, उसको बोलते हैं कपाल क्रिया। इस तरह से कोई कितना भी प्रिय हो, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, क्या जाएगा साथ में? केवल हरि नाम, जो उसने माला की है और जो उसने भगवान का नाम लिया है। तो भगवान शिव साक्षी हैं और इसीलिए वो शमशान में बाहर साक्षी के रूप में रहते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में सोना चांदी धन दौलत कमाते हैं, लेकिन जो हमारी असली धन दौलत है वो हरि नाम है, हमारी माला है जो भगवान का नाम करते हैं, उसको हम करें ताकि हम मरने के बाद थोड़ी सी हमारे पे भगवान कृपा करें। और हम या तो हमें मनुष्य जीवन मिले ही नहीं, और यदि मिले तो कोई ऐसा ऐसी जगह हम पैदा हो जाए जहाँ हम भगवान की भक्ति कर सकें। और भगवान की भक्ति करने के बाद यदि हम पर ज़्यादा ही कृपा हो जाए तो हम भगवान के चरणों में लीन हो जाए। हरे हमारी एक माता के अपने की छोटी सी कहानी सुना, बड़ी सुंदर कहानी। ओम अज्ञातिमिरागस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय काले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्री श्रीमद्भक्तिवेदा शिशुधर्मस्वामी नामिने। नमो विष्णुपादाय श्री राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद्भक्तिवेदा श्रीनर्मस्वामी नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम गोदारी माधुर्य हरे कृष्ण।
श्री गुरुदेव एक छोटी सी कथा सुनाते हैं, उसको सुनाने का प्रयास कर रही हूँ। देखो एक है ना राजा था, उस राजा की ना चार रानियाँ थी और वो अपनी रानी से बड़ा प्रेम करता था। जो उसकी पहली रानी थी ना उसके उससे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करता था, वो उसको जो भी चाहिए वो उसको ला कर देता था, उसको कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता था। तो इस तरह जो उसकी दूसरी रानी थी वो बहुत सुंदर थी और राजा जब भी कहीं भी जाता ना तो उसको अपने साथ लेके जाता था। क्यों? क्योंकि उसके बिना तो वो एक कदम भी नहीं चलता था, वो इतनी सुंदर थी और राजा उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। अगर कहीं भाग जाता था तो उसको अपने साथ लेके ही जाएगा। और जो उसकी तीसरी रानी थी उससे क्या करता था, जब भी उसे कोई युद्ध है, कुछ सलाह करनी, कुछ मसला करना, कोई भी कार्य करना, तो वो पहले क्या करता था, अपनी उस तीसरी रानी से पूरी सलाह मसला करके ही कोई कार्य करता था। और जो उस राजा की चौथी रानी थी वो उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देता था, कभी उसकी तरफ देखता भी नहीं था अच्छे से। तो जो राजा की और रानी थी वे तो बड़ी खुश थी, लेकिन जो चौथी रानी थी ना जब वो उसको देखा था वो भी सोचती थी कोई बात नहीं, जब भी ये देखेगा तो ठीक है मैं बात कर लूँगी, नहीं वो भी नहीं करती थी। तो ऐसे ही ना जो राजा की जो पहली रानी थी तो हमें ना क्या करते हैं, उस राजा की क्या कितनी रानी थी, चार रानी थी। तो जो उसकी पहली रानी थी हम क्या है, हम भी एक वो राजा जो है ना वो हम ही है और कोई नहीं है। तो जो उसकी पहली रानी थी वो कौन थी, कौन थी वो रानी बताओ, जिससे वो क्या करता था। देखो राजा की कितना रानियां थी, चार रानियां। जो सबसे बड़ी रानी थी राजा उसको ज्यादा प्रेम करता था और उसका मन पसंद चीज पर लेकर देता था। और जो दूसरी रानी थी सबसे सुंदर थी, इसलिए राजा जब घूमने जाता था उसको लेकर के सबको बिठाया करता था, देखो ये रानी मेरी कितनी सुंदर है। और जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ी मीठी मीठी बात बोलती थी, इसलिए राजा जब घर में आता था वो तीसरी नंबर रानी को पास में बैठ कर उसको मीठी मीठी बोली सुनता था। जो चौथी नंबर थी ये तो अच्छी बड़ी प्यारी, लेकिन जब से उसको शादी करके लाए तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रहा। अभी राजा की अंतिम समय आया, मरने का समय आया, उसने सोचा आप मेरे चाय चाय रानी थे, कोई कथा को याद करना, मैंने कितना बार कथा सुनाया लेकिन कोई ठीक से नहीं सुना, इसलिए इसे ध्यान देकर सुना। इसलिए जब राजा की अंतिम समय आया मरने का, सोचा मेरे चार चार रानियाँ हैं, इनसे मैं प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक मेरे साथ में चलता। इसलिए सबसे बड़ी राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था उसकी नंबर आया। जब नंबर आया राजा बोले तू मेरे साथ में चलोगी, तेरे को मैं इतना प्यार दिया, प्रेम की तेरी मन पसंद चीज को ला ला कर देखता था, तू मेरे साथ में चलोगी, बोले तेरे साथ में मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, मेरे तेरे लिए जो मांगती थी वही ला ला करके देता था हैं, और तू कहता है अंतिम समय एक कदम भी नहीं चलो। राजा को तो बड़ा दुख मिला। अभी उन्होंने दूसरी रानी से पूछा, दूसरी रानी कौन थी, कथा सुन रहे कि नहीं, दूसरी रानी कौन थी, जो सुंदरी थी। राजा जिसको सारा दुनिया को दिखा करता देखो मेरी रानी कितने सुंदरी है हैं, उससे पूछा तू साथ में चलोगी, बोले तू तो मेरे को दुनिया को दिखा दिखा कर रखा, इसलिए मैं देख रहा हूँ तू मरने के बाद में दूसरे से शादी करो। बोले शादी क्यों करोगे, बोले देख पहले तो तू दुनिया को दिखाया, वैसे तब सुंदरी जहाँ जाऊंगी मेरे को पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूँ। राजा सुनकर के प्यार का जमीन पीछे चला गया, बोले क्या बोलती है, वो देख रहे हैं मैं तो मरूं किसी से शादी करूँ। अब उन्होंने तीसरे से पूछा तीसरी कौन थी, बोली बोलती थी। राजा सुनकर के बड़े खुश होता था, बोले तू क्या करोगी, चलोगी, मैं हाँ चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। बोले दरवाजा तक चलना चलना थोड़ी है, बोले ज्यादा बोलोगे ना दरवाजा से चार कदम का आगे बढ़ा सकती हूँ लेकिन तेरे साथ नहीं चलना। बोले दरवाजा तेरा चलना थोड़ी चलना, बोले तू वहीं तक जा सकती हूँ, बोले तू भी किसी काम की नहीं। अभी चौथी नंबर आ रही, कौन आई, चौथी नंबर कौन थी, राजा जब से उसको शादी करके लाया तब से उसको साथ में कोई मतलब नहीं रखा, कभी उससे पूछा भी नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, उसको कोई पूछा भी नहीं उसको। लेकिन सोचा जब रानी है एक बार पूछ करके देख ही लेता,
वो चलेगा कि नहीं चलेगा? बोले तेरे तो मेरे साथ में चलोगी, बोले तेरे को शर्म नहीं आ रहा? तो जब से शादी करके लाए हो मेरे तरफ में एक बार ध्यान करके देखा, कभी तुमने लोग खातिर से कभी पूछा तेरे पास में साड़ी साबुन और तेल है कि नहीं कभी पूछा? और मरते समय तेरे को जब साथ में चलोगी तेरे को शर्म नहीं लगता? बोले मैं तो तेरे को पूछना ही नहीं चाह रहा था, सोचा जब रानी एक बार पूछ करके देख लेता हूँ, देखो चौधरी रानी क्या कहती है। बोले देख राजा, मैं तेरे को दिल से प्रेम करती हूँ, दिल से मैं तेरे को प्रेम करती हूँ, तू तो एक बार मेरे तरफ में झांक करके भी देखा नहीं, लेकिन दिल से मैं तेरे को सबसे ज्यादा प्रेम करती हूँ, इसलिए तेरे साथ साथ में जाऊंगी, सुख में सुखी रहूंगी, दुख में दुखी बन करके रहूंगी, और बिना खाए पिए तेरे को मैं खाना खिलाऊंगी। राजा ने देखा जिनके लिए मैंने अपना जिंदगी दे दिया वो कोई साथ में जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए हमने कुछ नहीं किया वही कभी मैं साथ में चलूंगी। देखो इसको ध्यान देकर सब सुनना पड़ता, ये कौन है, ये राजा कौन है? बोले राजा और कोई नहीं, हम ही राजा। इसलिए हमारे भी चार स्त्रियां हैं, कितना स्त्रियां है? चार स्त्रियां हैं। इसलिए कहते स्त्री कौन है, जो सबसे जो बड़ी रानी थी, राजा जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था, हैं? उसकी मन पसंद चीज को ला ला करके देखकर उसको खुश करता था, लेकिन जब उसको पूछा साथ में चलने के लिए उसने क्या बोला, तेरे साथ में मैं कदम भी नहीं चलूंगी। बोले वो कौन है जिसको हम जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, जिस समय में वो जिस चीज की मांग करे ना, भले हमें झूठ क्यों बोलना नहीं पड़े, बेईमानी क्यों नहीं करना पड़े, हमें चोरी क्यों नहीं करना पड़े, उसकी इच्छा को हम पूरी करते हैं, लेकिन अंतिम समय में एक कदम भी हमारे साथ में चलने वाले नहीं। ये कौन है, कौन है, किसको ज्यादा प्रेम करता हूँ, पीछे वाले बताओ, किसो सब तो बोल रही, जो पीछे बैठे हो ना, मैया तो एक बात अच्छी बात होता है, और तुम लोग बताओ किसको प्रेम करते हो, जाना बोला हंस रहे हो क्या, तुमको पता नहीं घर में किसको ज्यादा प्रेम करते हो? देखो जगत में शास्त्र जो कहता है, जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये संसार में केवल स्वार्थ और काम है। जो तुमको सामने प्रेम दिख रहा है ना, वो इसलिए दिख रहा है प्रेम, चूंकि अभी तुमसे कुछ मिल रहा है, इसलिए तेरे को उसको प्रेम रूप में दिख रहा है, वो मिलना बंद होने पर तुमको बाय कर देते पूछेगा नहीं। अभी प्रश्न है फिर हम जगत में प्रेम किसको कर रहे हैं, बल अपनी आप को कर रहे हैं, अपना शरीर को सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, ये शरीर को हम पत्नी को क्यों प्यार करते हैं, क्यों पत्नी हमारी कपड़ा धो देती है, प्रेस कर देती है, खाना रोटी खिलाती है, खिलाती है, एक दिन नहीं थे तो प्रेम कर दे सब प्रेम चल जाएगी ऊपर, इसलिए जगत में ये सब स्वार्थ है, स्वार्थ की वजह से। इसलिए प्रेम किसको करते हैं, अपना शरीर को प्रेम करते हैं, ये जिस समय में जो चीज की मांग करती है उसको भले ही कुछ क्यों करना नहीं पड़े उसको ला कर देते हैं, अगर बोलते बोल को भी खाओ बोले चल खिलाए, फिर वहां पर बहुत बढ़िया परांठा मिलता, बोले चलो खिलाए खिलाए, हैं दिल में एक जगह में कहीं परांठा मिलता है बढ़िया, पता नहीं 100 किलोमीटर जाकर इसलिए ये शरीर जिस चीज की मांग करते हैं, ऐसे साड़ी पहनो बोला चलो मॉल में ले जाए, और पूरा दुकान का साड़ी साड़ी को उतार दिया, ये लास्ट बोले कोई भी पसंद नहीं हो जाए, इसलिए कि शरीर को प्रेम करते हैं। अभी शरीर से पूछे साथ में चलोगे, कहते जब हंसा अकेला उड़ जाएगा खाली पिंजरा पड़ा जाएगा, जब शरीर से ये परमात्मा चली जाए, ये जिस शरीर को कितने सुंदर साबुन से और शैम्पू से रोज धोए, क्रीम लगाए और क्या क्या शरीर जीव गए, चमन प्रास खाए शरीर के लिए, ये शरीर साथ में चलेगी अंतिम समय नहीं चले, बस हो रहेगी। अभी तो दूसरी रानी थी जो सबसे सुंदरी, जिसको राजा दुनिया को दिखाया करता था, हैं? लेकिन जब उसको पूछा उसने क्या उत्तर दिया, बोले मैं देखना तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। कैसे सबसे सुंदरी कौन है, कहते ना बाप बड़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, ये पैसा सबसे सुंदर है, क्योंकि पैसा तो भगत कुछ होता ही नहीं है, अगर पैसा रहेगा बढ़िया मकान बनाएंगे, बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, हैं, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, दिखाएंगे देखो हमारे कैसे गाड़ी में घूमते हैं, कैसे पैसा कमाने के लिए कितना कष्ट, आपको पता होगा जो कमाते कितने कष्ट से कमाते,
पैसा से पूछे भैया तू साथ में चलोगी, बोले चलोगी क्या, मैं देख रहा तू तो मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूँ। मतलब क्या है देखना, ये सर्दी छूटते ही पर छूटने से पहले बच्चों का नजर कहाँ रहता है, पिताजी की कितने एटीएम कार में कहा, कितने बैंक में पैसा, कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान वकान, किसी में ही उसका नजर रहता है। ये हम अपना गांव की कथा सुना रहे हैं। पिताजी सर्दी छोड़ते सिर्फ चार ही बच्चे, चार बच्चे डंडे लेकर लड़ाई मारपीट कर रहे हैं, बोले खबरदार पहले पिताजी का संपत्ति की बंटवारा हो जाए, क्यों कोई बच्चा के पास में ज्यादा था किसी के पास में कम था, बोले कोई जिस पास में कम था ना डंडा लेकर खड़ा हो गया, कोई हाथ लगा था सर फोड़ देंगे, पहले ये जमीन जायदाद पहले बंटवारा हो जाए फिर लाश उठेगा, नहीं तो यहाँ लाश नहीं उठा सकते हो, है इसलिए कहते जिस पैसा को इतने कष्ट करके हम कमाते हैं, है बात शरीर छूटते ही वो दूसरों को साथ में शादी कर लेती है। मतलब क्या है, बात शरीर छूटते ही सबके सब ट्रांसफर अपना किसको साथ पास में हो जाएगा, अपना बेटे को नाम पर हो जाएगा, यहाँ से पैसा तुम भी नहीं ले सकते हो और उतना ले सकते हो जितना ठाकुर की सेवा में, भक्त की सेवा में, भगवान की सेवा में लगा, यही पैसा इस साथ में चलेगी और यहाँ से कोई चलेगी नहीं, ये गई शादी हो करके। तीसरे नंबर आ गई, राजा जिसकी मीठी मीठी बोली सुनता था, मन की बात सुनाया करता था, कहते ये कौन है, कहते ये पत्नी, जब उसको पहले पूछा तो साथ में चलोगी, बोले चलोगी, बोले कहाँ तक, बोले दरवाजा तक चलोगी, पति का जब सैलरी छोड़ता है पत्नी कहाँ तक जाती है, उसको आगे चलती है, बोले ज्यादा बोलोगे तो चार ही कदम तो आगे बढ़ूंगी लेकिन तेरे साथ में मैं चल ही नहीं सकती हूँ। बोलते दरवाजा तक परिवार वालों से पूछे, बोले चलोगे कि नहीं, बोले क्यों नहीं, एकदम चलेंगे, तेरे लिए अर्थी बनाएंगे, राम नाम सत्य करते करते ले जाएंगे, बोले कहाँ तक, बोले शमशान तक, पास वहीं पर मुखाग्नि दे करके। अब देखना भारत में क्या करते, मुख में आग देते है ना, बोले मुख में आग क्यों देते है, कारण क्या, बोले कारण है भगवान तेरे को जो मुंह दिया था प्रभु की नाम लेने के लिए, लेकिन वो तू उसी मुंह में प्रभु का नाम नहीं लिया, तीन बार इधर उधर की दुनिया जाएगी तुमने बात की है, प्रभु का नाम तुमने नहीं की, इसलिए तेरे मुंह में आग, इसलिए बच्चा आग देता है। लेकिन हमारी भक्ति जगत में मुंह में आग नहीं देते, उसका चरण का आग देते हैं, बोले क्यों, ये अग्नि देवता है, बोले जिसने ये जीवन पा करके भगवान की भजन की ये अग्नि देवता भी तेरे चरण की पूजा करता है, इसलिए हमारी वैष्णव जगत में भक्ति जगत में मुंह में आग नहीं देते, मुंह में आग देना मतलब गंदा, तेरे मुंह में आग मतलब काली एक तरह का है, इसलिए तेरे मुंह में आग दे करके बस टाटा करते करते चले आएंगे, फिर तेरे साथ में चलेंगे नहीं है। अभी चौथी नंबर रानी, इसको ध्यान देकर सुनो, तो माता है सत्संग से कुछ लेकर भी जाए, चौथी नंबर रानी आई, राजा जिसको जीवन में कहीं पूछा गया तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं, कभी पूछा नहीं उसको, कभी बेकार किसी काम की नहीं, लेकिन जब अंतिम समय आए ना, वास तीनों तीनों रानी को जिसको पूछता था तो कोई गए नहीं, लेकिन जो चौथी नंबर रानी कभी तेरे साथ साथ में चलूंगी, भले ही तुम जीवन में मेरे को पूछे नहीं, कुछ दिया नहीं, तेरे साथ साथ में चलूंगी है। बोले ये कौन है जिसको जीवन में हम सबसे ज्यादा नफरत करते रहे लेकिन अंतिम समय में कोई काम नहीं आएगा, तेरे भगवान भक्ति भगवान का नाम। अगर बोले तो ना एक माला छत्तर भगवान खरीदना बोले समय कहा, लेकिन टीवी खोल कर ना तीन तीन घंटा आप हर बात देते हैं, इसकी चुगली गई चार पांच माताएं बैठ जाए ना, एक बैठ से बात खत्म नहीं हो, उसकी बहू ने ऐसे कर दिया, उसकी छोरी ने ऐसे कर दिया, उसका छोरा ऐसे किया, सारा दुनिया की बात बैठ जाएगी, बोले थोड़ा हरिणा बोले समय कहा, समय कहा हमारे पास में सब भजन करने के लिए, इसलिए उसको जीवन में तथा बेकार काम जिसका उसको काम धाम नहीं ना, वही सब बैठे हरे कृष्ण करते हैं, जिसका कोई काम धाम नहीं, हमारे पास में बहुत सारे काम है, बेटा बहू की बात करना, टीवी देखना, स्मार्टफोन देखना, लेकिन भैया अंतिम समय में कोई भी तुम्हारी काम ये आने वाले नहीं, इसलिए जब शरीर छूटेगा, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गत्य है, सब कोई बात झूठा नहीं सुनाते ना, बेटा जितने राम और कृष्ण का नाम लिया अभी तेरे साथ में वही जा रहा है, इसके सिवाय तुमने जो कुछ किया है केवल झूठा में जीवन बिताया, एक सुई धागा भी तेरे साथ में कोई जाने वाले नहीं।
पत्नी दरबार तक आई, परिवार स्मशान तक आई, शरीर जहाँ पे कहाँ है। इसलिए अंतिम समय में क्या जाएगा, प्रभु की नाम जाएगा। इसलिए हमें कौन सा बहु कुछ ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, बोलो जो पीछे से माता है, कौन सा बहु को ज्यादा ध्यान देनी चाहिए, कौन सा नंबर बोलो, चौथा नंबर है। मतलब घर में हरि हरि का नाम करो, सवेरे नहा धो करके प्रभु की भजन करो, ठाकुर का आरती उतारो, ठाकुर जी को भोग लगाओ और एकादशी व्रत करियो, है भगवान की भक्ति करो। इसलिए ठीक है ना। देखो और एक विशेष चीज ये कहते ना, बिनु सत्संग विवेक नाम और राम कृपा बिनु सुलभ ना सुलभ। जब तक संतों का संग नहीं मिलेगा ना, हमारी हृदय में भावना कौन देंगे, ये संत लोग ही देंगे और कोई नहीं दे सकते। आज जब हम माता जी के दरबार में बैठ कर सत्संग कर रहे हैं, ये माता जी रोज मंदिर में आती है, हरिनाम करती है, बस वैष्णव का संतों की सेवा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि संतों का संग इनको मिला है, हैं? संतों की संग मिला तभी माता जी इतना दूर से चल चल करके, हम जब आ रहे थे हमारे साथ में श्रीधाम प्रभु जी थे, बोल रहे थे माता जी इतना दूर से आती है। माता जी बोल रही थी कभी सत्संग में आते समय थोड़ा लेट हो जाती है। मैंने कहा इतना लेट क्यों करते, बोले महाराज जी घर का सारे काम काज करके हमें आना पड़ता है और हमारा घर तो बहुत थोड़ा ज्यादा दूर पड़ जाता है, आप जब आओगे ना पता चलेगा। मैं सचमुच से जब आके आए देखा माता जी सचमुच से इतने दूर से साथ कोई नहीं आते, माता जी जितने दूर से आती ये लोग भी आती दूर से, ये भी बहुत दूर से आती। इसलिए आप लोग सब हरिनाम करना और ये माता जी जब बोलेगी ना आप लोग को चलो, हैं आप लोग चलो मंदिर में, आप लोग आना ठीक है ना, इनको साथ में आओ। देखो घर के बच्चे भजन, आप भी भजन करोगे बच्चे भजन करेंगे, जिस घर में परिवार सब भक्ति करते हैं वो घर भगवान का धाम है। क्या है कि वृंदावन धाम है, तुम्हारी घर बन जाएगा। अगर तुम सत्संग में नहीं जाओगे, देखोगे नाम से तो तीन बच्चे, एक दारू पीता होगा, एक गंजड़ी, एक भंगड़ी हो गई, नाम से तीन चार बच्चे, समझ रहे हो। लेकिन संतों का संग करोगे तो कभी बच्चे तुम्हारी बिगड़ेंगे नहीं, अगर बिगड़े हुए होंगे ना सुधर जाएंगे। इसलिए कहते बिनु सत्य संग विवेक नाम हुई और नाम कृपा बिनु सुलभ नाश हुई। इसलिए सत्संग से ही जीव का कल्याण और मंगल होता है। ठीक है, सब लोग सब दशम आना और एकादशी व्रत भी रखियो। कौन कौन एकादशी व्रत रखे हो, पीछे रखे हो माता है, हाँ अच्छी बात, बहुत धन्यवाद। आप लोग एकादशी व्रत रखो। अभी एक छोटी बच्ची आपको एकादशी के बारे में थोड़ी कथा सुनाए, अच्छे तरह से याद है, दूसरे को सुनाते हैं मतलब अच्छी तरह से बोलो। देखो ये छोटी बच्ची पढ़ाई भी करते हैं, कितने पढ़ती है बच्ची, 11 पे पढ़ती, देखो गले में कंठी तिलक लगाई और बड़ी सुंदर सुंदर कथा सुनाती, अभी देखो कितने सुंदर कथा सुनाती। ओम अज्ञानदेवादश ज्ञानंजन सुलक्ष्याचक्षुमलेन्द्रियेण दशमे श्रीगुरवे नमः। गुरवे गुरुचन्द्राय राधिकाय स्तुताल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकुलध्रुवे श्रीकृपा सिन्धुवे च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सर्वप्रथम मेरे कृपापदम ओम विष्णु अस्त भक्ति वेदांत श्री श्री धर्म महाराज जी के चरणों में नमस्कार। तत्पश्चात आप सभी वैष्णव वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य प्रणाम। आज क्या है, आज है एकादशी। एकादशी एकादशी को माता तिथि भी कहा गया है। ये श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है। अब हम जीवों का एक लक्षण होता है कि हम जिस चीज को देखे ना तो हम उसे स्वीकार नहीं करते, कि हमने देखा नहीं तो हम उसे स्वीकार क्यों करें। अब शास्त्रों में खुद कहा गया है कि एकादशी किसी भी व्रत को करने के लिए शास्त्रों में नहीं कहा गया कि इस व्रत को कीजिए, पर हाँ एकादशी को साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि एकादशी श्री हरि विष्णु को बहुत ही प्रिय है और एकादशी व्रत करना चाहिए। अब जैसे कोई बालक है, अब बालक बचपन से ही अपने पिता से, मतलब उसे अपने पिता का नहीं पता कि मेरे पिता कौन है। अब वो बच्चा अपने पूरे संसार में अपने पिता को ढूंढ लिया है पर उसे पिता नहीं मिले। अब ऐसे थोड़ी ना मिलेंगे उसके पिता। हाँ यदि वो अपने माता से खुद जाके पूछे मैया मेरे पिता कौन है, तो माता बताएगी ना भाई ये तुम्हारे पिता है। ऐसे ही जो ये बालक है, ये बालक हम है। अब हम ना जाने कितने जन्मों से अपने परम पिता परमात्मा से बिछड़े हुए हैं। अब हमें कौन बताए कि हमारे पिता कौन है। अब शास्त्र शास्त्र
शास्त्र हमारी माता है और शास्त्र बताते हैं कि ये तुम्हारे पिता हैं। अब यूँ नहीं कि हम ऐसे ही शास्त्रों को प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, बिना गुरुदेव के हम शास्त्रों को भी नहीं प्राप्त कर सकते। तद विज्ञानार्थ से गुरु में भी गच्छते समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्म निष्ठं। कहते हैं शास्त्र रूपी विज्ञान को जानने के लिए हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है, हमें गुरुदेव के पास जाना चाहिए। और क्या लेके जाना चाहिए? श्रद्धा रूपी औषधि को लेकर हमें अपने गुरुदेव के पास जाना चाहिए। इसी श्लोक में गुरुदेव के दो लक्षण बताए हैं, श्रोत्रियं और ब्रह्म निष्ठं, अर्थात गुरु की दो विशेषताएं हैं। गुरु शास्त्रों के ज्ञाता होने चाहिए, अर्थात शास्त्र उनको प्रभावित होने चाहिए, और ब्रह्म निष्ठं भगवत रूपी अनुभूति गुरुदेव में होनी चाहिए। अब कहते हैं एक बालक है, एक बालक है, उसे प्यास लगी है। अब उसे प्यास लगी है, 15 दिन से प्यासा है, वो कह रहा है पानी पानी पानी। अब वो बालक बहुत ही प्यारा है, चलो हमें उससे उसका प्यार भी आ गया। हमने उस बालक को पानी की जगह घी पिला दिया। अब घी पीने से यूँ थोड़ी ना है कि उसकी प्यास शांत हो जाएगी, नहीं, उसकी प्यास तो इसका तार कहाँ से गड़बड़ कर रहे हो? इसका नहीं, ब्रोज वहाँ से जब मैसेज को मैसेज कहाँ रखा हुआ? पानी पीने से ही प्यास शांत होगी। ऐसे ही हमारे परमपिता परमात्मा जब हमारे से प्रसन्न जब होंगे, जब हम उनको जो उन्होंने खुद कहा है हम उस बात पर चलेंगे, तो स्वयं अर्जुन से श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि किसी को मुझे प्राप्त करना है तो वो मेरी शरण में आए और जो मैंने कहा है मेरे लिए व्रत करे, मेरे लिए जो भी करना है मेरे लिए करे, तो मैं उससे इतना प्रसन्न होता हूँ, मैं उसे हर चीज देता हूँ संसार की। हम अन्य अन्य देवी देवताओं से उनके व्रत करने से, जैसे कोई सोमवार का व्रत रखता है तो शिव जी को मनाता है, मंगल का व्रत करता है तो हनुमान जी को मनाता है, पर इस संसार की चीजें ही मांगते हैं उनसे और वो संसार की चीजें ही दे सकते हैं। पर यदि कोई कहे कि वो संसार की चीजें, कोई कहे 1 रुपया भी अपने साथ ले जा सकते हो क्या? नहीं ले जा सकते, हम कुछ नहीं ले जाते अपने साथ, सिर्फ हरि नाम अपने साथ लेके जाते हैं, अन्यथा हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाते। अब श्री विष्णु ने कहा है कि अगर हमें कृष्ण जी को प्रसन्न करना है तो हम उसमें किस व्रत को बताया गया है? एकादशी। एकादशी से स्वयं भगवान इतने प्रसन्न होते हैं, कहते हैं ये मेरी इतनी प्रिय तिथि है कि जो भी तिथि का पालन करता है मैं उससे इतना प्रसन्न होता हूँ, जहाँ की मैं शास्त्र पढ़ने से भी नहीं होता। अब कहते हैं एकादशी महारानी आई कहाँ से? एक दैत्य था मुकुटध्वज, उसने भगवान शिव की तपस्या कर भगवान से वरदान मांगा। अब जो भी ये राक्षस होते हैं ना, ये ना शिव जी को बहुत प्रसन्न करते हैं, क्योंकि वो तो है ही भोलेनाथ। अब वो भोले हैं तो उन्हें वरदान भी देते हैं, और अब उन्हें वरदान दे दिया तो उसके पिताजी को श्री कृष्ण ने मारा था, तो वो श्री कृष्ण का वैर हो गया कि मैं तो श्री कृष्ण को ही मारूंगा। अब जैसे वो वो श्री कृष्ण को मारने चला, तो फिर वो श्री कृष्ण के पास आया और भगवान जी से युद्ध किया। अब युद्ध करते करते भगवान जी रण छोड़कर चले गए। जैसे भगवान जी आगे आगे, वो मुकुटध्वज पीछे पीछे भागते जा रहा है, तो भगवान जी एक गुफा में जाकर छिप गए। अब भगवान जी छिप गए तो उस राक्षस ने बाहर से बहुत ललकारे दिए, हे बाहर निकलो, तुम अंदर कैसे छिप गए, तुम बाहर आओ। तो भगवान जी आराम से नहीं आए बाहर, तो वो अपनी सेना को लेकर अंदर आता है और देखता है भगवान जी तो आराम से सो रहे हैं। अब कहते हैं देखो हम तो बाहर चिल्ला रहे हैं और ये आराम से यहाँ आराम कर रहे हैं। तो शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई सो रहा हो ना तो उसे मारना नहीं चाहिए, ना ही उससे युद्ध करना चाहिए। अब भगवान जी सो रहे थे तो उसकी कायरता जागी और भगवान को वो मारने के लिए जैसे ही शस्त्र आगे किया, तो भगवान जी के शरीर में से एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और एक छोटी सी कन्या वहां से प्रकट हुई और उसने देखते ही देखते उसकी पूरी सेना को मार डाला। उसको भी मारने के लिए जैसे ही हाथ आगे किया तो उसने
हे प्रभु मुझे क्षमा करें। तो ये सुनकर प्रभु की नींद टूटी और उन्होंने देखा कि ये तो मेरी शरणागत हो गया है। अगर कोई हमारी शरणागत होता है, प्रभु की शरणागत होता है, तो नियम में उसे मारा नहीं जाता। अब भगवान ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, तो जाओ तुम यहाँ से इस लोक को छोड़ कर चले जाओ। अब वो कहता है प्रभु मैं जाऊँ कहाँ, तो कहते हैं अब तुम जाओगे कहाँ, चलो ठीक है मैं तुम्हें एक स्थान बताता हूँ, जो एकादशी के दिन अन्न खाते हैं वो जाओ तुम उस अन्न में जाकर लीन हो जाओ, और जो भी एकादशी के दिन अन्न खाता है उसे मातृ हत्या, पितृ हत्या, गो हत्या, ब्राह्मण और गुरु हत्या, ये सभी पाप उस भोजन में विद्यमान रहते हैं और ये सब पाप उसको लगते हैं जो एकादशी के दिन भोजन करता है और ध्वज उस भोजन में रहता है। जो भी उस भोजन को खाता है मानो वो पाप खा रहा है। और जब वो तो उस भोजन में चला गया तो भगवान जी ने उन उस एकादशी को देखा। एकादशी दिन वो कन्या उत्पन्न हुई थी, तो उन्होंने कहा आप कौन है देवी, तो उन्होंने कहा हे प्रभु मैं एक दासी हूँ। ये सुनकर प्रभु बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि हम प्रभु को ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते कि हम भगवान से ऊंचे बन के कि हम भगवान के हुए, नहीं, दास से भाव हमारे में होना चाहिए। यदि हम दास से भाव से हम प्रभु को कहा कहे कि हम प्रभु आपके हैं, तो प्रभु ही उसे स्वीकार करते हैं। कहा देवी आप मैं निद्रा में था, आपने मेरी रक्षा की है और आप एकादशी को प्रकट हुई हैं, तो आपको जल्द आज से एकादशी माधव तिथि, ये तिथि मेरी बहुत ही प्रिय होगी, जो भी आज के दिन उपवास करेगा मैं उससे इतना प्रसन्न होऊंगा जितना कोई शास्त्र पढ़े और मेरी भजन करे मैं जब भी इतना प्रसन्न नहीं होता। इसलिए सभी एकादशी व्रत का पालन करे। इन्हीं सभी शब्दों के साथ वहां वांछाकल्पतरूढस्य कृपा सिन्धुरेव च पतितान पावनेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य दयाल प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत राजस्व सदि शिखोर भक्तवृंद बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर नतितम भगवदान सरस्वती गोस्वामी गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करके प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव हेतु लीला विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर नतितम भगवदान सरस्वती गोस्वामी महाराज के हेतु लीला विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर नतितम भगवदान सरस्वती गोस्वामी महाराज। आज दिन का सुबह आविर्भाव तिथि हेतु लीला विष्णु ओम विष्णुपाद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के सुबह चरणों में साधना करके प्रणाम करके उनके हेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गुरुपाद पद्म उपस्थित पूज्य पाठ श्री रामा प्रभु बलराम प्रभु वैष्णव कृष्ण समय चरण प्रणाम स्वीकार। आज विशेष स्थिति है, एकादशी है और गुरुपाद पद्मा ने एकादशी के बड़े सुंदर सुंदर महात्म्य बताया होगा बताए होंगे पहले। और एक चीज मैं बोल देता हूँ, आज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के शुभ आविर्भाव तिथि है, उसमें से महाराज जी हर वैष्णव से एक एक मंत्र के रूप में अपने जीवन में आदर्श स्वरूप ग्रहण किया।
बोलते हैं भक्ति रखकर श्रीधर गोस्वामी महाराज जी से कैसे साधु संग करना कि इस चीज को सीखा। हमारे परम गुरुदेव भक्ति स्वरूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी से ये सीखा कि किस प्रकार जो विशेष रूप में जो शास्त्रों में बताया गया है जो बात को वो कैसे किस प्रकार चित्र आदि कलाकार के द्वारा उसको कैसे दर्शाया जाता है, किस प्रकार प्रचार किया जाता है, इस प्रकार बहुत सारी चीज सीखने के बाद एक बात को श्री भक्ति के महाराज जी गोस्वामी महाराज बोल रहे हैं कि हमारे जो रूप गोस्वामी पाद हैं उनसे इन्होंने एक अच्छा चीज सीखा। देखो जत्यंती लीला दृष्टि है, सब जानते हैं, फिर मैं बोल देता हूँ। रूप गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद ने एक समय लीला स्मरण कर रहे थे, लीला को चिंतन कर रहे थे, एक लीला को ध्यान कर रहे थे। रूप गोस्वामी पाद क्या ध्यान कर रहे हैं, उस लीला में स्मरण कर रहे हैं कि जो कुसुम सरोवर है वृंदावन गोवर्धन में, जो कुसुम सरोवर जो लोग गए हैं उस कुसुम सरोवर के चारों तरफ सुंदर सुंदर पुष्प में सुसज्जित है कुसुम सरोवर, और वहाँ पे राधा रानी अपने सखी गण के साथ और मंजरी के गण के साथ कुसुम सरोवर में जाते हैं और वहाँ पे पुष्प चयन करते हैं, फूल चयन करते हैं, और वहाँ पे बड़े सुंदर सुंदर रूप में वहाँ पे श्री विग्रह राधा रानी क्या करते हैं पुष्पों को चयन करते हैं। तो कृष्ण तो नटखटपन है कृष्ण, और कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण एक दृश्य के ऊपर उठे, एक पुष्प के एक फूल के दृश्य के ऊपर उठे, और उठने के बाद वहाँ पे एक टहनिया को नीचे कर लिया कृष्ण ने। अब नीचे जैसे कर लिया तो कृष्ण अपने आप को पत्ते में झाड़ी में छुपा के रखते हैं। अब इसी समय पे श्रीमती राधा रानी पुष्प चयन कर रही, जैसे हाथ फूल के ऊपर जा रहा है कृष्ण अपने पैर पहुँचा रहे, तो जो टहनिया है वो धीरे से करके ऊपर उठ रहा है। तो राधा रानी सोच रहे हैं क्या बात है, जैसे फूल तोड़ने के लिए जाता हूँ अपने आप हाथ ऊपर क्यों उठ जाता है, मतलब टहनिया ऊपर क्यों उठ जाता है, मेरे हाथ में पकड़ में क्यों नहीं आता। तब उसी समय पे जैसे राधा ने छलांग लगाई तो उस पेड़ को पकड़ते हैं, तो कृष्ण ने पूरा का पूरा वो अपने पैर को हटा दिया, तो टहनिया के साथ राधा रानी पेड़ में लटकते हुए रह गए। और इस लीला को दर्शन करते हुए उनके जितने भी मंजरीगण वहाँ पर उपस्थित थे, सखीगण थे, वो हंस रहे हैं। तो श्री रूप गोस्वामी पाद इस लीला को देखते देखते, वो भी रूप मंजरी है, तो उस लीला को देख के हंस रहे हैं, और उनके सामने एक लंगड़ाते हुए एक व्यक्ति लंगड़ाते 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 जा रहा है। उसने सोचा कि ये व्यक्ति मुझे देख के हंस रहा है, उसने सोचा कि ये जो रूप गोस्वामी पाद ये मुझे देख के हंस रहा है। बस इतना स्मरण मात्र से ही विष्णु अपराध हुआ, इतना मतलब सोचने मात्र से ही विष्णु अपराध हो गया। दक्षिणार्थ रूप गोस्वामी जो रूप मंजरी है उनके लेवल की जो स्थिति है उनका दक्षिणार्थ की लीला दर्शन भंग हो गया, स्मरण कर स्मरण हो ही नहीं पा रहे। स्मरण करने चीज को चिंतन करें किस प्रकार भयंकर जो विष्णु अपराध जो बात है ना, किस प्रकार की जो स्थिति है ये बात को समझो। तो इसी मात्रा में वहाँ पे क्या हुआ, तो जो रूप गोस्वामी पाद वहाँ पे अपने लीला को जो स्मरण कर रहे थे लीला को भंग हो गया देख नहीं पाए, तब उन्होंने फिर रूप गोस्वामी पाद उस जगह पे वहाँ पे जिसे रूप में सनातन गोस्वामी पाद से पूछते हैं कि भैया और मेरा इस प्रकार लीला दर्शन होता था आजकल वो अष्टकालीन लीला अष्टकालीन नियम उसमें कुछ दर्शन होता ही नहीं, कारण क्या है। तो वहाँ पे बताया गया कि वहाँ पे कारण ही बोले कि तुम्हारा वैष्णव अपराध हुआ होगा निश्चित रूप में। अब किस चरण के किस वैष्णव के चरणों पे अपराध हुआ है उनको बता भी नहीं है। कृष्ण ही स्वयं कृपा करने के लिए गुरु रूप में आते हैं, वैष्णव के रूप में आते हैं, साधु संत के रूप में आते हैं, और गुरु और वैष्णव अगर असंतुष्ट हो गए दुष्ट हो गए शास्त्र में कितना कितना प्रमाण बता रहे हैं। इसीलिए एक चीज को जीवन में सावधान वैष्णव अपराध से हर समय सावधान रहना चाहिए। तो मुझे बात भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का अतिथि है गुरुपाद पर उन्होंने बोले हैं कुछ बात कहने के लिए। तो महाराज जी का एक विशेष रूप में है कि महाराज जी हर समय इस बात को बड़े रूप में लक्ष्य करके देखते थे कि मुझसे कोई वैष्णव अपराध तो नहीं हो रहा है, मुझसे कोई वैष्णव असंतुष्ट तो नहीं हो रहा है। और महाराज जी हर समय बोलते हैं क्या बोलते हैं
कि काटा मुखे जे काटा मुखे जे मुखे ते मुखे जाए, पैर में अगर काटा चुभ गया जहाँ पे चुभा है वहाँ पे ही निकलेगा। जिसके चरणों में अपराध हुआ है, जिसके द्वारा अपराध हुआ है, उसको ही वहीं से ही अपराध खंडन होगा। पाए काटा फूटी लेकिन संदेह बाहर ही रविंद्रनाथ हमारे आचार्य वो बता रहे कि पाए मतलब चरण में अगर काटा घुस गया कंधे बाहर है, कंधे में क्या बाहरेगा, निकलेगा वो नहीं निकलेगा। वो पाए में काटा फूटा है तो काय में है, काटा चुभ गया है तो वो पैर से ही निकलेगा। तो इस प्रकार का हमारे गुरुवर का आचार विशेष रूप में इस प्रकार का महिमा बता रहे हैं। विशेष विशेष करके बहुत सारे बात है, पूरे बात नवीन गुरु भी है, समय का अपना परिस्थिति। आज गुरुपाद पद्मा यहाँ पे उपस्थित है, महाराज जी का अतिथि है। सबसे यही प्रार्थना प्रणाम के साथ हम कृपा आशीर्वाद ग्रहण करें कि हम अपने जीवन में कभी वैष्णव अपराध नहीं करें, कभी वैष्णव को असंतुष्ट नहीं करें। और जिस वैष्णव चरण में हमारा मान समझ में आ गया कि हमारा अपराध हुआ है, तक्षणात उनको क्षमा मान के, तक्षणात उनको कृष्ण को प्रियजन है, कृष्ण को भ्रष्ट है ऐसे मान करके, उनको चरणों में पढ़ करके, उनको क्षमा मान करके उनको कृपा ग्रहण करना चाहिए। यही सब प्रार्थना हरे कृष्ण। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने शिष्यमत भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नमः। सर्वप्रथम अपने हृदय में तिलिला प्रविष्ट समस्त वैष्णव वैष्णव के चरणों में आपको कोटि कोटि नमन करता हूं। आज सुखदेव की जय। सब बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा जो नहीं रखते उनसे प्रार्थना है वो आगे से एकादशी व्रत रखेंगे। देखो मनुष्य तन बड़ा मुश्किल से मिलता है, हम लोग जानते तो है पर मानते नहीं, क्योंकि स्वभाव ऐसा है ना, मानने का है ही। जान जाएंगे आप जी, अभी महाराज जी ने कथा सुनाई, प्रभु जी ने सुनाई, सबने सुनाई, सब जानते हैं कि 84 लाख इल्लियां होती हैं, लेकिन उसको माने क्यों? क्योंकि अभी हम इस माया के आवेश में है, माया के अधिकार में, और अपने आप को ये देहात्म बुद्धि मान के बैठे हम ये शरीर है, जबकि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। जिस प्रकार से इस शरीर को खुराक की आवश्यकता पड़ती है, इसको जल खाने के लिए अन्न की आवश्यकता पड़ती है तभी स्वस्थ रहता है, तो आत्मा को भी खुराक की आवश्यकता पड़ती है। इस बात को जानते हैं आत्मा की क्या खुराक है? हरिनाम। तो हरिनाम करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। अब ये नाम किसका लेना है? हरि का। हरि में भी जो सर्वश्रेष्ठ, जो भगवान का सुंदर माधुर्यतम जो स्वरूप है वो श्री कृष्ण है, राधा कृष्ण का। और इनका हम हरे कृष्ण बोलते हैं, इसमें राधा कहाँ है? देखो यहाँ हरा जो संबोधित किया जाता है वो हरे हो जाता है संस्कृत में, जैसे रमा रमे ऐसे ही हरा हरे संस्कृत का है। तो उस हिसाब से जो हरा शब्द है जो हरि को भी आकर्षित कर लेता है, हरि तो सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाले हैं ही। देखो गोपियों के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, संतों का जो मक्खन जैसा जो चित्त है उसको आकर्षित कर लेते हैं, चुरा लेते हैं, लेकिन उनके भी चित्त को, भगवान के भी चित्त को
जो हरने वाली है वो हरा स्वरूपा श्रीमती राधा रानी है। बोलो राधा रानी की। तो राधा रानी इसमें हरे से संबोधित होती है। हमारा जो मंत्र है इसको आप इस प्रकार से समझिए, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अब यहाँ पर हरे मतलब यहाँ राधा रानी है और कृष्ण जो वृंदावन वाले श्री कृष्ण है, मुरली मनोहर वो कृष्ण, द्वारिकाधीश नहीं या मथुरा के कृष्ण नहीं। मुरली कहाँ बजाते हैं? सिर्फ वृंदावन में बजाते हैं, ब्रज में बजाते हैं, मथुरा द्वारिका में नहीं बजाते। इस बात को समझना है। देखो मूल कृष्ण जो है वृंदावन वाले हैं, वृंदावन नाथ जो श्री कृष्ण है, मुरली मनोहर जो है उन्हीं के अंश जो है वो मथुराधीश है, उन्हीं के अंश जो है वो द्वारिकाधीश है। अर्थात जो मूल कृष्ण है वो मुरली मनोहर है। तो यहाँ समझ में आया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। अब यहाँ पर इस लाइन को फिर से समझेंगे, हरे कृष्णा इसका मतलब हम लोग मिलन करा रहे हैं। हम लोग नहीं, मतलब ये मिलन होता है भगवान कृष्ण और राधा का। हरे मतलब राधा रानी, कृष्ण साक्षात मुरली मनोहर कृष्ण, ये आपस में जब मिलन करते हैं निकुंजों में वृंदावन के, तो इसलिए हरे कृष्ण बोला जाता है। अब विरह, मिलन और विरह ये एक दूसरे के पूरक है। तो अब क्या होगा, अभी मिलन हुआ, अब इस मिलन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इस मिलन के आनंद को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, इसका आस्वादन कराने के लिए विरह की भी आवश्यकता पड़ती है। विरह के बाद जब मिलन होता है तो कितना आनंद प्रदान करता है, इस बात को समझते हैं हम सब। तो यहाँ पहले मिलन है, हरे कृष्णा, उसके बाद कृष्ण कृष्ण, यहाँ पर राधा रानी नहीं है, कृष्ण कृष्ण मतलब अब विरह हो गया। उसके बाद कृष्ण कृष्ण हरे हरे, फिर राधा रानी राधा रानी। इस प्रकार से यहाँ पर मिलन और विरह, मतलब राधा रानी है कृष्ण के साथ है और कृष्ण भी है और राधा रानी भी है। तो ये पूरे मंत्र के अंदर क्या हुआ, राधा कृष्ण का। दूसरी लाइन में जो है, हरे रामा बोले राम रामा हरे हरे, यहाँ पर अब आप बोलेंगे भाई हम तो उपासक राधा कृष्ण के हैं, यहाँ राम जी कैसे आ गए, हरे राम, अभी हरे तो आप बता रहे थे राधा रानी को, अब यहाँ पर राम जी कैसे आ जाएंगे, ये तो जो है ठीक लगता नहीं। तो यहाँ पर ये हरे तो राधा रानी है, राम कौन है, राम का मतलब यहाँ श्री रामचंद्र नहीं है, दशरथ नंदन नहीं है, यहाँ पर राम है जो राधा के साथ जो रमण करते हैं, जो निकुंजों में रमण करने के लिए लायक रहते हैं और सुंदर सुंदर तरीके से जो है उनका दर्शन करने के लिए उपहार लेकर जाते हैं निकुंजों में, लेकिन कुछ गलतियां होने के कारण या कहीं पर अन्य जाने के कारण, लेट हो जाने के कारण वहां पर जो मंजरियां हैं गोपियां उनको रोक देती हैं, तो मिलन में व्यवधान पैदा करती हैं, इसलिए जिससे कि और उत्कंठा बढ़े इनकी और जब राधा से मिलेंगी तो और आनंद होगा। तो यहाँ पर राम क्या है, श्री कृष्ण ही जो राधा से मिलते हैं, इसको राम कहा गया। तो इसीलिए हरे राम यहाँ पर राधा और कृष्ण ही है, इसीलिए ये मूल मंत्र है। और इस मंत्र को कलयुग में विशेष करके इसलिए प्रदान किया क्योंकि हम सब की जो बुद्धि है अत्यंत अल्प है, हम सब की जो आयु है अत्यंत अल्प है और हम लोग वेदों को नहीं पढ़ सकते, हम शास्त्रों को नहीं पढ़ सकते, एकमात्र हरिनाम करेंगे उसी से हमारा उद्धार हो जाएगा, क्योंकि उम्र भी कम है बुद्धि भी कम है, इसलिए हमें हमेशा निरंतर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, और एकादशी जरूर करनी चाहिए क्योंकि एकादशी भक्ति जननी है। जननी मतलब माँ, किसी को जन्म जो दे वह माँ, तो ये भक्ति को जन्म देने वाली माँ है कौन, एकादशी। तो हमें क्या करना चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए, उससे क्या होगा भक्ति जन्म लेगी हमारे हृदय में, क्योंकि एकादशी जो है भक्ति जननी है और एकादशी जो तिथि है
आज की अतिथि है, ये भगवत स्वरूप है, भगवान इसके अंदर विराजमान हो जाते हैं, अपने आप को ही स्थिति में परिणित कर लेते हैं। तो इसीलिए एकादशी तिथि की जय। और आज शयन एकादशी है, आज से भगवान जो है शयन करेंगे, आप सब जानते हैं चार माह के लिए, इसलिए चातुर्मास होता है। चातुर्मास को जितना हरिनाम किया जाए, जितना हरिनाम संकीर्तन किया जाए, जितना वैष्णव का दर्शन किया जाए, गुरुवर्गों को घर में बुला करके इनकी आरती पूजा और इनसे कथा श्रवण किया जाए, इनकी सेवा की जाए, उतना ही उतना लाभ होता है। धन्यवाद। वंचा कल्पतरु सुप्रभातं भूयो भुवनं पावकेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। अति के आनंद की जय। हम लोग 25 तारीख को मंदिर में गुरु पूर्णिमा मनाएंगे, आप लोग